आइए, सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्ति, आपको अजनबी लोगों से भेंट हो सकती है, राजनीतिक क्षेत्र से सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको चाहिए शनिवार मंगलवार श्री हनुमान जी की आराधना करना श्रेष्ठ उत्तम रहेगी। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वाले व्यक्ति, भाग्योदय नेपथ्य की प्राप्ति स्थानांतरण के योग संयोग बन सकते हैं। पूर्व से किसी पद पर प्रतिष्ठित हो, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम, व्यापार श्रेष्ठ रहेगा, अटका हुआ काम शीघ्र संपन्न हो सकता है। आपको भगवान गणेश की आराधना करना श्रेष्ठ अति कारक रहेगी। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति जमीनी वाद विवाद सुलह सकता है। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति कंक्रीट उद्योग आदि क्षेत्र जगत से, यदि आप ठेकेदार लाइन में हैं तो आपके लिए आज का दिन श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति मानसिक तनाव, बेचैनी, अनैस, अचानक किसी बात को लेकर वे बढ़ सकती है, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति अटका हुआ व्यापार या धन प्राप्त हो सकता है एवं कोई नया कारोबार प्रारंभ कर सकते हो। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति भाग्योदय, नेपथ्य की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग संयोग बन रहे हैं। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति माता पिता का पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दशम राशि मकर। मकर राशि वाले व्यक्तियों को मांगलिक शुभ सूचनाएं प्राप्त होगी, भाई आदि का पूर्णतः सहयोग प्राप्त हो सकता है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति मानसिक तनाव, बेचैनी कम होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, व्यापार श्रेष्ठ रहेगा एवं अटका हुआ काम शीघ्र संपन्न हो सकता है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति मांगलिक शुभ सूचना स्त्री पक्ष से हानि, अटका हुआ काम मध्यम स्थिति में संपन्न हो सकता है एवं कोई नया कारोबार प्रारंभ कर सकते हो। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ पीतामरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।